वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में। इस शेयर का करंट प्राइस 36.60 रुपये है। अब एक बार यहां पर बीएससी भी देखते हैं। बीएससी भी जो आपके सामने यहां पर इसकी डे की परफॉर्मेंस आ रही है, जैसे ओपन हाई लो और एवरेज प्राइस। 52 वीक हाई इसका 38 रुपीज़ है। अगर ये 40 रुपये के ऊपर कभी सस्टेन होता है तो आपको अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। और 52 वीक जो इसका लो है वो करीब देखो 21 रुपीज़ 50 पैसे। आज जो शेयर ट्रेड हुए 45 लाख शेयर ट्रेड हुए, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था इसके ऊपर, जिनकी वैल्यू 16 करोड़ 40 लाख है। मार्केट कैप की बात करते हो 22,031 करोड़ इनका मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, कैश अर्निंग पर शेयर वही माइनस में है। पी इसकी -21 है, पी भी 2.2 है और रिटर्न ऑफ इक्विटी -10.5% है। अब आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप देखोगे EPS PE PB ROE सब कुछ इनकी इतनी अच्छी नहीं है। अब एक बार फाइनेंस की बात करते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं रिटर्न वर्सेस FD तो बिल्कुल बेटर नहीं है। डिविडेंड की बात करते हो नहीं पे करता है, एंट्री पॉइंट भी मना कर रहा है ये। अब फोरकास्ट के ऊपर आते हैं एक बार। अब फोरकास्ट में 6 एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें 33% मना कर रहे हैं कि आप 33% कह रहे हैं आप इसमें बाय कर सकते हो, पर मोस्टली मना कर रहे हैं मत करो बाय। अब फाइनेंस की बात करते हैं। अब फाइनेंस में जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं, लास्ट 5 ईयर के रिवेन्यू की बात करते हैं तो -4.6% इनका रिवेन्यू है, और जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट पॉजिटिव के अंदर है, पर इस शेयर की जो ग्रोथ है वो माइनस में है। और मार्केट शेयर इसका डिक्रीज़ हुआ है 3.3%। अब बात करते हैं 2018-19-20-21 के फाइनेंस ईयर की बात। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था 9,274 करोड़, जो 2019 में थोड़ा घटा था, 8,394 करोड़ रह गया था। पर 2020 में इनका रिवेन्यू बढ़ा था, पर 2021 में इनका रिवेन्यू काफ़ी कम हुआ है। हम कह सकते हैं 2021 का कोरोना इफेक्ट था। नेट इनकम की बात करते हैं, 2018 में करीब 1,363 करोड़ का लॉस। जो लॉस देखो रिवेन्यू भी कम हुआ पर लॉस भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 3,580 करोड़ का। 2020 में भी कंपनी को लॉस था करीब, पर लॉस में कमी आई थी पर रिवेन्यू बढ़ा था। 2021 में भी कंपनी लॉस में है, लास्ट के 4 सालों में लगातार कंपनी लॉस में है, बहुत अच्छा खासा इनको घाटा चल रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग। अब प्रमोटर ने लास्ट के क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इसमें कम करी है, और जितनी होल्डिंग प्रमोटर पर 61% होल्डिंग है, देखो प्रमोटर ने इसमें अपनी करीब 2% के आसपास अपनी होल्डिंग सेल करी है, और 61 में से करीब 15.45 यानी करीब 15.45% होल्डिंग ही प्रमोटर के पास है। 46% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इसमें से कम करी है। DII की बात करें, DII ने भी अपनी होल्डिंग कम की है पर बहुत कम होल्डिंग है। FI की बात करते हैं, FI ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बाकी जितनी होल्डिंग है वो पड़ी है हमारी रिटेल पार्टी के पास। अब म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, प्रमोटर ने इसमें अपनी होल्डिंग बेची है। अब एक बार बात करते हैं लेवल के ऊपर। अभी का लेवल ऑल टाइम पीक पे है, तो कोई इसे बाय करना चाहता है तो मत करना। अगर फिर भी कोई इसे किसी का मन है बाय करने का तो 34 रुपीज़ के SL के साथ इसे बाय करना है। और जैसे कि आपको मैंने इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया, लास्ट के कई सालों में 4 सालों में कंपनी लगातार लॉस में है, रिवेन्यू भी उसका कम हुआ था, और ऐसा कुछ भी मतलब ठीक नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अपने एंड पे भी स्टडी करना, अगर कोई इसमें अभी पैसा लगाना चाहता है तो 34 रुपीज़ के SL के साथ वो इसमें इन्वेस्ट करे अगर करना चाहता है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर। इसका नाम है ONGC, इसे ONGC कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसका जो प्राइस है 139.95 रुपीज़, करीब 140 रुपये के आसपास इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी है, और जो देखोगे 2.8% ये अपनी डे हाई पे अपनी इसने क्लोजिंग दी है, और एक गैप अप ओपनिंग हुई थी इसके ऊपर, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब देखो कुछ ऐसे शेयर है जिसके ऊपर हम बात करते हैं तो वो शेयर ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म रख सकते हो, तो ये लॉन्ग टर्म आप रख सकते हो, डिविडेंड भी पे करता है, पर अपनी बाइंग का जो प्राइस है एकदम सही टाइम पे रखना है आपने। अभी का जो प्राइस है इसका, अब यहाँ पर ही आप देखोगे ना, जैसा कि रिटर्न वर्सी FD बहुत बेटर है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करता है। अब फोरकास्ट की बात करते हैं। अब फोरकास्ट में 26 एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें से 81% इसमें बाय के लिए कह रहे हैं, मतलब शेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बात करते हैं, देखो इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ रफली मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि 2018-19-20-21 आप देखोगे
एक तो इनका जो रिवेन्यू बहुत ज़्यादा 3,33,135 करोड़ का, और फिर 2019 में 4,32,000 करोड़ का इनका 2019 का रिवेन्यू था। 2020 में थोड़ी कमी आई थी और 2021 में थोड़ी कमी आई थी, कोरोना इफेक्ट कह सकते हैं। अब देखो नेट इनकम की बात, लगातार कंपनी प्रॉफिट में, और रिसेंटली आप देखो 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़ा है कंपेयर टू 2020 से। अब जो इनकी रिवेन्यू की ग्रोथ रेट है वो करीब लास्ट के 5 ईयरों में 18.8% है, और जबकि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो 18.3% है। अब मार्केट शेयर इनका इंक्रीज़ हुआ है 92%, काफ़ी बड़ी चीज़ है, इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब नेट इनकम की बात करते हैं, इनकी जो नेट इनकम है वो लास्ट के 5 ईयर के अंदर जो ग्रोथ रेट है 4.7% इनकी ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री की, पर अब आने वाले टाइम इनकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी क्योंकि इनका मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी शेयर में म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली उस शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। डीआई की देखते हैं तो डीआई ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग कम की है इसमें, पर एक तो अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआई की भी ठीक ठाक होल्डिंग है, मतलब जितनी भी यहाँ पार्टी है ना म्यूचुअल फंड डीआई एफआई सब ने इसमें अच्छी खासी होल्डिंग रखी है, और मैक्सिमम होल्डिंग सरकारी कंपनी है तो सरकार के पास ही रहती है। अब इसके लेवल की बात करते हैं, अभी टाइम है ऑल टाइम पीक पे है, तो अभी के लिए जो हमारे पे एसएल आ रहा है 136 रुपये या 135 रुपये के एसएल के साथ इसे ट्रेड करो, 135 रुपये के एसएल के साथ इसे ट्रेड करो, और ऑल टाइम पीक पे है तो इसमें कोई आने वाला टारगेट हम 150 के आसपास ही लगा सकते हैं, क्योंकि शेयर ऑल टाइम पीक पे हमें नहीं पता कि कहाँ से उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर, इस शेयर का नाम है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। इस शेयर का प्राइस है करीब 87 रुपीज़ प्राइस है, और आज की जो उसकी डे की क्लोजिंग है वो 1.8% इसने हाई पे दी है। एक बार यहाँ देख लेते हैं इसके फंडामेंटल। अब यहाँ देखो रिटर्न वर्सेस एवरी तो बेटर है, पर ये शेयर एक अच्छा खासा डिविडेंड नहीं पे करता। फोरकास्ट की बात करते हैं तो फोरकास्ट पे करीब 13 एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें से 77% बाई के लिए कह रहे हैं। फाइनेंस की बात करते हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे इनके जो रिवेन्यू की ग्रोथ रेट है वो करीब 13.88% लास्ट 5 ईयर में, और मार्केट शेयर इनका इंक्रीज़ हुआ है करीब 12.9 to 14.29%। अब 2018, 19, 20 और 21 का फाइनेंशियल की बात करते हैं। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था 10,000 करोड़ का, जो 2019 में बढ़ के 13,000 करोड़ का हो गया, 2020 में 14,000 करोड़ का, और 2021 में इनके रिवेन्यू में देखोगे कोई ज़्यादा कमी नहीं आई, पर थोड़ा रिवेन्यू कम हुआ है, हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट हो सकता है। 2018 की में जो इनकी नेट इनकम थी 1,254 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2019 में प्रॉफिट 2,200 करोड़ का हो गया, पर 2021 में रिवेन्यू बढ़ा था पर प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई थी, 2021 में भी इनका प्रॉफिट कम हुआ है। तो इनके प्रॉफिट में लगातार कमी आ रही है पर इनका रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अब रिसेंटली प्रमोटर ने इसमें थोड़ी होल्डिंग कम की है, पर ओवरऑल देखोगे प्रमोटर के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी भी शेयर में म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो आप उस पर स्टडी करो, और डेफिनेटली शेयर के प्राइस ही बढ़ते हैं आने वाले टाइम में। डीआई की बात करते हैं तो डीआई ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है। एफआई की बात करते हैं तो एफआई ने इसमें अपनी होल्डिंग रिसेंटली कम की है, पर इन द एंड ठीक ठाक होल्डिंग है एफआई की भी। बाकी जितनी भी होल्डिंग है रिटेल पार्टी के पास, और रिटेल में भी देखोगे करीब 11.30% होल्डिंग रिटेल पार्टी पे है, बाकी 9.8% अदर पार्टी के पास है। अब बात करते हैं इस पे लेवल के ऊपर, अभी का जो प्राइस है 87 रुपीज़ है, और यहाँ पर आप देखोगे ये 50 DMA और 200 DMA का सपोर्ट के साथ ही एक आसपास ही है दोनों। अगर ये शेयर अगर 90 रुपये को ब्रेक कर देता है और 90 रुपये के आसपास सस्टेन होता है, यानी अभी क्या 88, 79, 90 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है, तो आने वाले टाइम में पूरे चांस है कि ये शेयर आपको 100 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है, और बहुत कम टाइम में। और जो हमारा एसएल है इसमें 83 रुपीज़ का एक एसएल है, इसके साथ इसे ट्रेड करना है, और जो सबसे इसका डीप है ना, डीप है इसका 79 रुपीज़ 76 रुपीज़, तो आप इतना नीचे मत जाना 83, और ज़्यादा कोई अगर रिस्क लेना चाहता है तो 80 रुपीज़, इन दो एसएल के साथ ही रखना से 80 रुपीज़ या 83 रुपीज़ के एसएल के साथ ट्रेड करना, और पूरे चांस है। यहाँ पर देखो 50 DMA और 200 DMA की का सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा 90 रुपये फिर आगे इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कि ऊपर कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, पूरे चांस है 100 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।